एक सुबह घर के निवासी एक बच्चे के रोने से जाग गए थे। नहीं, मैं एक स्वेटर बुनना चाह रही थी। वहाँ कौन रो रहा है? क्या यह सच्ची में मेरी पोती है? दादी अब इसका पता लगाएगी। इतने सुबह में कौन रो रहा है? ओह, मुझे लगता है मेरी छोटी बहन रो रही है। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या चल रहा है। लगभग हो गया। क्या कोई बच्चा रो रहा है? शायद वो भूखा है। शायद जरूर काम आएगा। तो हमारे बच्चे को क्या हुआ? ओह, वो खाना चाहती है। मुझे लगता है अब तुम्हें खिलाया जाएगा। तो हीरोज के पास बच्चे को खिलाने का एक मुश्किल काम है। और वह क्या चाहती है? बच्ची फ्रेंच फ्राइज चाहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हम सब कुछ करेंगे। मुझे नुस्खा पता है। ऐसा लगता है कि मुझे तेल डालना होगा। मैं और डालूंगी। यह और भी स्वादिष्ट होगा। तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छी तरह से भून जाएगा। मैं पूरा पैक भर दूंगी, क्योंकि कभी भी बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। मैं पूरा पैकेट डाल देती हूँ। यह ठीक रहेगा। पोती, तुम क्या कर रही हो? ओह, वो जलने वाला है। हमें आग को जल्दी से बुझाना होगा। ओह नहीं, ओह, यह यूट्यूब पर इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई थी। लगभग किचन और हम सभी को जला दिया। बेहतर होगा कि तुम दादी से सीखो। अब दादी तुम्हें दिखाएंगी कि यह कैसे करना है। हम तेल लेते हैं, आंच को थोड़ा कम करो और आलू डालो तो यह सही होगा। अब तुम इसे एक प्लेट पर रख सकती हो। ओह, यह कितना अच्छा निकला। यह सब मेरी पोती के लिए है। अब सबसे स्वादिष्ट हैंज केचप जोड़ना है। फ्रेंच फ्राइज और केचप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा। उफ, और इस डिश में कितनी कैलोरी है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसा होना चाहिए। हमें अतिरिक्त तेल से छुटकारा पाना है। फिर हम आलू को सुगंधित बैकन के टुकड़े में लपेटते हैं और रोल को मोड़ते हैं इस तरह से, और ऊपर से क्रैनबेरी ग्लूटेन फ्री जैम की एक बूंद जोड़ें इस तरह से, और रोजमेरी की टहनी से सजाएं। कलिनरी आर्ट की मास्टरपीस तैयार है। बिंगो! मैं कुछ बेहतर लेकर आई हूँ। केला मार्शमेलो ट्रॉली आलू के समान है, और अगर हम हर्षी के स्ट्रॉबेरी सिरप को जोड़ते हैं तो यह केचप के साथ आलू की तरह होगा, लेकिन इसका स्वाद मीठा है। यही मेरी छोटी बहन को सच्ची में पसंद आएगा। अंत में सब कुछ तैयार है। बच्ची पहले से ही अपने खाने का इंतजार कर रही है। दादी की डिश सबसे पहले ध्यान आकर्षित करने वाली थी। क्लासिक फ्रेंच फ्राइज और केचप। यह वास्तव में स्वादिष्ट लगता है। बच्ची को स्पष्ट रूप से यह पसंद आएगा। मुझे जानना है कि असली गौरमे पेटीज को कैसे पसंद करेगी। शेफ ने एक असामान्य नुस्खा लिया, लेकिन उनकी सराहना नहीं की गई। और बहन की तरफ से भी एक डिश है। यह आलू और केचप की तरह दिखता है, लेकिन यह हाँ, यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ एक मीठा मार्शमेलो है। डुबाओ और खाओ। अब विनर चुनना बाकी है। दादी की डिश। हाँ, दादी ने अच्छा काम किया। ओह, दर्द हो रहा है। बच्ची अब क्या खाना चाहेगी? वाह, वह सुशी चाहती है। ओह, यह क्या समझ से बाहर है। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। दादी को सिखाओ कि यह क्या करना है। सबसे पहले आपको चावल को एक विशेष तरीके से उबालना होगा। यह लो, फिर इसे करो। हाँ, मैं करूंगी। दादी चावल पकाना जानती है। गंदा सीविट के साथ सुशी। मैं फिर से कुछ मीठा करना चाहूंगी, या मीठा और खट्टा। चलो इन मीठी और खट्टी जीभों को ले। सॉस के बजाय व्हिप क्रीम डालें। एक गमी आग और हरिबो से कुछ गमीज लपेटे। ये कितने बड़े और रंगीन है। क्या आपने कभी ऐसी सुशी देखी है? ये बहुत ही अच्छा है। अब आपको नोरी की एक शीट लेनी होगी और इसे आधा में काटना होगा। यह पूरा सूखा है, यह टूट रहा है। तुमने यह कैसे किया? क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ दादी। फिर मैं थोड़ी मछली काट लेती हूँ, एकदम सही टुकड़ा। फिर चावल लिया, मैट के ऊपर डाला नोरी के पत्ते और उस पर मछली डाला और इसे काटा, और बस हो गया, ये तैयार है। अदरक और वसावी के साथ क्लासिक फिलाडेल्फिया रोल तैयार है। बॉन एपेटिट।
दादी ये रोल नहीं बना सकती। बिंगो। वे अपना आकार नहीं रखते हैं। मैं खीरे में फिलिंग डाल दूंगी और यह स्वादिष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। ये एक पुरानी स्नैक रेसिपी है, एकदम सही। और अब बच्चे के खाने का समय है, चलो इनसे शुरू करें। शेफ से सुशी एकदम सही लगती है, यह स्पष्ट है कि उनका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या बड़ा और रंगीन रोल है और बहुत बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट कि वह तुरंत उन्हें विनर के रूप में चुनती है। इस बार बहन के मीठे सुशी ने सभी को पछाड़ दिया। ओह, तुमने मेरे रोल्स खाए भी नहीं। अरे दादी जागो, पोती फिर से कुछ स्वादिष्ट चाहती है। वह डिजर्ट के लिए चॉकलेट कॉकटेल पीना चाहती है। यह मेरी फेवरेट रेसिपी है। हमें कुछ बर्फ के टुकड़े चाहिए। मैं जार में और चॉकलेट सॉस डालूंगी। स्टारबक्स मिल्क चॉकलेट से भर देते हैं और मैं एक हैंड मिक्सर के साथ दूध को फोम कर दूंगी। ओ, माफ करना दादी, आप बहुत पास आ गई थी। और दादी के हाथों में यह पैकेट कैसा है? इंस्टेंट कॉफी 3-in-1। क्या वह सच्ची में अपनी पोती को यह देने जा रही है? हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि दादी खुद उसे पसंद करती है। अब व्हिप क्रीम डालें। मैं अक्सर खुद के लिए ऐसी रेसिपी बनाती हूँ। हो गया, अपने बारे में मत भूलना। ऊपर से ओरियो कुकी क्रम्स छिड़के, कुकी डाले। इस तरह के कॉकटेल को एक स्ट्रॉ के माध्यम से पिया जाना चाहिए। यही है, परफेक्ट चॉकलेट मिल्कशेक तैयार है। ओह, ऐसी कॉफी कौन बनाता है, यह भयानक है। मैंने एक से ज्यादा बार कॉफी के मीठे ड्रिंक बनाए हैं। हमें ताजा कॉफी बीन्स चाहिए। मैं बीन्स को मेजर करती हूँ। मैं कॉफी को बारीक टुकड़ों में पीसती हूँ। फिर मैंने इसे एक फ्रेंच प्रेस में काढ़ा किया। कॉफी एकदम सही होगी। ऊपर दूध फोम के साथ इसे सजाना बाकी है। मैं निश्चित रूप से किसी को स्प्रे नहीं करूंगी। और स्नोफ्लेक डेकोरेशन तैयार है। बिल्कुल सही। ओह माय। यह ड्रिंक को आजमाने का समय है। हाथ खुद एक सुंदर ग्लास के लिए पहुंच रहा है। ये एक अद्भुत कॉकटेल है। ऊपर स्वादिष्ट कुकीज भी है। बस स्वादिष्ट, एकदम सही। इंस्टेंट कॉफी के बारे में क्या कहा जा सकता है? दादी अपनी पोती को जहर देना चाहती थी। पीना असंभव है। एक अच्छे सुगंध के साथ शेफ से कॉफी, लेकिन स्वाद कुछ भी अलग नहीं है। बच्ची इस खूबसूरत कॉकटेल को चुनती है। हाँ, इसे जारी रखो बहन, तुम फिर से जीत गई हो। अगला काम आपके लिए है वाफल। यह क्या है? और मैं यह रेसिपी जानती हूँ। अंडे तोड़ो, चीनी डालो। हम और भी डाल सकते हैं ताकि वॉफल बेहतर स्वाद के हो। और मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो। ओह, मैं मिलाते मिलाते थक गई हूँ। शायद इतना काफी है। और अब हम आटा जोड़ सकते हैं। वहाँ कितनी जरूरत है? ओह ओह, दादी मुझे माफ करना, मैंने आपको फिर से गंदा कर दिया। ज्यादा आटा, ज्यादा वॉफल बाहर आ जाएगा। ठीक है, शायद मुझे इतना आटा नहीं चाहिए। मैं अतिरिक्त आटा वापस निकाल दूंगी। ओह, यह उस तरह से काम नहीं करेगा। लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी दादी की सिद्ध नुस्खा पसंद करेगी। बैटर एकदम सही निकला। यहाँ अब हम बैटर को वॉफल आयरन में डाल सकते हैं। और मैं लगभग कर भी चुकी हूँ। बिल्कुल सही, वॉफल बाहर आ जाएगा। आप बच्चे को क्या खिलाते हैं? स्वस्थ खाना आवश्यक है, हमें चीनी की जरूरत नहीं होगी। बेहतर होगा कि हम जुकीनी ले। कद्दूकस करें, अंडे डाले और उसमें मैदा मिलाए और इससे अच्छा डो तैयार करें। मैं इसे मिक्सर के साथ जल्दी से करूंगी। यह कितना बदसूरत दिख रहा है। और चलो हमारे सुपर स्वस्थ वॉफल को तैयार करें। ये लगभग तैयार हो चुके हैं। परफेक्ट, मैं इन्हें प्लेट में रखती हूँ। इस पर स्ट्रॉबेरी, बेरीज और व्हिप क्रीम डालूंगी। और मैं इस पर अपना ट्रेडिशनल मैपल सिरप ही डालूंगी। और सब तरफ अच्छे से डाल दूंगी। और एक मक्खन का टुकड़ा। कितना अच्छा, कितना सुंदर।
यह वफल निकालने का समय है। हरा रंग स्वास्थ्य का रंग है। काफी सुंदर प्रस्तुति नहीं है? बेहतर होगा कि मैं ऊपर से कुछ पत्तों से इसे सजा लूं। बेलिसिमो, वो अपने हेल्दी पोषण के साथ वापस आ गई है। यहाँ खाओ पोती। ये वफल बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे उन्हें वह चाहती थी, लेकिन यह असामान्य फीलिंग क्या है? छी, अंडे का छिलका। खाना बनाते समय आपको सावधान रहना होगा। और यह हरा रंग क्या है? फिर से ऊपर से घास, फिर एक टुकड़ा एक बाइट के लायक है, बहुत छोटा। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन वह अभी भी खराब स्वाद का है। इन वॉफल से क्या उम्मीद करें? वाह, ऐसा लगता है कि बच्ची सच्ची में उन्हें पसंद कर रही है। वह बहुत खुश है, यहाँ विनर है। हुर्रे, ये मेरे हैं, दादी ने किया। क्या आपको चुनौती पसंद आई? फिर जल्दी सब्सक्राइब करें, नए वीडियो आपको जल्द ही मिलेंगे। बारादा हमेशा दिलचस्प और स्वादिष्ट होता है।